हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल रियल ट्रिक्स में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं WCC2 गेम के न्यू अपडेट के बारे में कि WCC2 गेम में न्यू अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है और जो न्यू अपडेट आएगा WCC2 गेम में उसमें हमें क्या न्यू फीचर देखने के लिए मिलेंगे और जो न्यू अपडेट आने वाला होगा कौन सा अपडेट होगा, या इनका भी कोई न्यू मेगा अपडेट आएगा या फिर जैसे नॉर्मल इनके अपडेट चलते रहते हैं या वैसे हमें कोई नॉर्मल सा अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखते रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो के लिए जितनी भी हो सके लाइक जरूर कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस जरूर भी कर देना। तो गाइस अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे WCC2 गेम के न्यू अपडेट के बारे में और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग वेट करेंगे WCC2 गेम का 2019 अपडेट आएगा जो मेगा अपडेट हो सकता है या फिर इनके जो ऐसे नॉर्मल अपडेट चलते रहते हैं 2.8 2.2 इस तरह के हम क्या न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर डायरेक्ट हमको 3.0 अपडेट देखने के लिए मिलेगा जो शायद इनका मेगा अपडेट हो सकता है। और साथ ही साथ अभी हम बात करेंगे कि हमें क्या न्यू फीचर देखने के लिए मिल सकते हैं WCC2 गेम के न्यू अपडेट के बारे में। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो नेक्स्ट में मल्टीमीडिया कंपनी है वो भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक न्यू गेम लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है बिग बैश लीग। तो ऐसे में थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है कि WCC2 गेम के अंदर मतलब अपडेट तो आएगा लेकिन उस अपडेट में शायद काफ़ी सारे न्यू फीचर देखने के लिए ना मिलें क्योंकि मेरे हिसाब से अभी उनका जो पूरा फोकस है वो बिग बैश लीग के ऊपर, क्योंकि एक न्यू गेम वो लॉन्च कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि WCC2 गेम के अंदर हमें शायद कोई बड़ा अपडेट देखने के लिए ना मिले। और अभी हम बात करके इनका जो 2019 अपडेट है वो कब तक हमें देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभी इनकी गेम का 2018 अपडेट आया था और वो अपडेट फ्रेंड्स 9 मार्च को मतलब 9 मार्च को रिलीज़ हुआ था। तो ऐसा कि आप मतलब खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 2019 अपडेट है वो कब तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो शायद मे बी जो 2019 अपडेट होगा वो भी हमें फेबररी या मार्च के अराउंड में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस उस अपडेट में शायद काफ़ी सारे न्यू बड़े फीचर देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे नेशनल एंथम का फीचर होगा, स्लेजिंग फीचर होगा और शायद IPL ऑक्शन में वो मतलब 2019 अपडेट में देखने के लिए मिल जाए लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी इनका जो सारा फोकस है बिग बैश लीग के ऊपर है और ये गेम दिसंबर में खेलने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं ये गेम भी कैसा होता है। तो अभी के टाइम पे इनका एक बड़ा अपडेट आना मतलब WCC2 गेम की तरफ से कोई हमें बड़ा अपडेट शायद अभी देखने के लिए ना मिले। तो अभी फ़िलहाल के लिए इनका कोई अपडेट तो आएगा लेकिन उसमें शायद काफ़ी सारे मतलब न्यू फीचर हमें देखने के लिए ना मिले। तो गाइस मतलब यही मैंने आपको मतलब बताना चाहता था कि अभी इनका जो सारा फोकस है वो अभी बिग बैश गेम के ऊपर ही है। तो ऐसे में एक न्यू अपडेट देना, एक बड़ा अपडेट देना शायद मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। वैसे मैं ये अपनी तरफ से आपको ये बता रहा हूँ, ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई कंपनी है जैसा मर्जी जो चाहें वो कर सकते हैं। जो मैंने अपने ओपिनियन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप सभी लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे मतलब इस वीडियो के बारे में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस यही थी फ्रेंड्स आज की जो वीडियो थी, आई होप आप सभी को जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस भी जरूर कर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हम अपने अगली नई वीडियो में। तो थैंक्स आप सभी का एंड बाय बाय।